पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन शिकस्त कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, शायकीन क्रिकेट की जानिब से जो तनकीद हो रही है उससे परेशान हो गए हैं, और इस परेशानी ने उनको अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें कमेंट सेक्शन को ब्लॉक करने पर जो है वो मजबूर कर दिया है। साथ में आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान टीम के मरकज़ी जो बैटर है हमारे मोहम्मद रिजवान, दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो कमेंट सेक्शन है वो ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट वहां जाकर न सिर्फ मोहम्मद रिजवान को बल्कि बाबर आजम को जो है वो इंतहाई सख्त अल्फाज में जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस गो के तनकीद तो कर रहे हैं, कुछ जगहों पर हम कह सकते हैं कि ये तनकीद जायज़ है, ये तनकीद बनती है, और आप जो है वो जब पाकिस्तान टीम परफॉर्म करती है तो यही फैंस पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, यही फैंस पाकिस्तान टीम को अप्रिशिएट करते हैं, और यही फैंस दुनिया भर में बताते हैं कि हमारी टीम है। लेकिन जब पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं करती तो यकीन तौर पर यही फैंस जो है वो पाकिस्तान टीम को तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन हमें ये बात भी याद रखी कि उसी जगह पर कुछ फैंस अगर हम कहें कि इस्लाह के तौर पर, कुछ फैंस जो है वो क्रिकेट जो है वो समझने के तौर पर या क्रिकेट लवर होने के तहत तनकीद, लेकिन कुछ फैंस इस बात को मानना होगा कि वो इंतहाई नाजेबा जो है वो कमेंट्स करते हैं, इंतहाई नाजेबा जो है वो गुफ्तगू करते हैं, और इंतहाई नाजेबा पर्सनल होकर वो कमेंट्स करते हैं या फिर इस तरह की कोई बात करते हैं, यकीन तौर पर जिससे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो उनकी जो है वो दिल आज़ारी होती है, उन्हें जो है वो बुरा लगता है। गो के कोई भी खिलाड़ी, कोई भी टीम, कोई भी प्रोफेशनल जो है वो हारना नहीं चाहता। गलतियाँ होती हैं, हम लोगों से भी प्रोफेशनली लाइफ में होती हैं और लोगों से भी प्रोफेशनली लाइफ में होती हैं, और क्रिकेटर्स भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, और वो इस बात का एतराफ़ भी करते हैं। गो के क्रिकेट पाकिस्तानियों की जो है वो तर्जुमानी करती है, क्रिकेट पाकिस्तानियों को जो है वो जोड़ती है, जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो क्रिकेट से इंतहाई ज़्यादा जो है वो एक लगाव रखते हैं, समझते हैं, क्रिकेट देखते हैं, और फिर उसके लिए अपना वो वक्त निकालते हैं। कभी कभार जब उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरा जाए तो वो खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर अगर मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़रूर तनकीद करें, तनकीद करना आपका हक बनता है, जायज़ तनकीद करें, लेकिन खिलाड़ियों को गाली देना, नाजेबा गुफ्तगू करना, उनकी पर्सनल लाइफ को अटैक करना या उनको थ्रेट करना, ये कहीं भी जो है वो मुनासिब चीज़ नहीं है, और यकीन तौर पर ये एक अच्छा क्रिकेट फ़ैन होने का भी जो है वो सबूत नहीं है। तो आप तनकीद करें, ज़रूर करें, पाकिस्तान टीम पर करें, पाकिस्तान टीम ने जो गलतियाँ की हैं, पाकिस्तान टीम ने गलतियाँ तो नहीं की, पाकिस्तान टीम ने दर्जनों के हिसाब से गलतियाँ की, और जितनी तनकीद बन सकती है हम भी कर रहे हैं, आप भी करें, लेकिन पर्सनल ना हो। ये खिलाड़ी हैं, इनके भी जज्बात हैं, इनके भी एहसास हैं, और ये पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं। यही इन्हीं खिलाड़ियों ने आपको याद होगा कि इंडिया के खिलाफ आपको 152 रन की नॉट आउट पे पाकिस्तान ने जो है वो आपको विन करा, इन्हीं खिलाड़ियों ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी, उसमें भी मध्य मुकाबल भारत था। गलत खेले हैं, आप तनकीद करें, लेकिन पर्सनल ना हो, ऐसा ना करें कि जिससे आपके कप्तान, जिसको आप रियल पाकिस्तान टीम का इस वक्त हम कह सकते हैं किंग है, पाकिस्तान टीम का एक ब्रांड है, पाकिस्तान टीम के एक सुपरस्टार हैं, उनको अपना मजबूरन जो है वो कमेंट सेक्शन ब्लॉक करना पड़े, ताकि उनको पर्सनल लाइफ को जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो नुकसान पहुंचने का, या फिर उन्हें किसी किस्म की ऐसी गुफ्तगू जो उनको नाजेबा लग रही हो, उन्हें बुरी लग रही हो और उन्हें जो है वो अच्छी ना लगे, तो ऐसा ना करें। ये खिलाड़ी भी हमारे खिलाड़ी हैं, और वक्त आएगा तो ये अच्छा भी परफॉर्म करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यही फैन भी उनको जो है वो सपोर्ट भी करेंगे।